मुझे तो मना करना चाहिए। ठीक है मैं हाँ करूँ। ओए पार्थी आओ आ जा। रुपया ले आओ रुपया। ठीक है भाई, भाई ने यू कह दिया आगे से नहीं करूंगा। कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं नहा धो के हो चुका हूँ तैयार, सुबह के बज चुके हैं 8 और अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल में। मैं तुम्हें सारी अपडेट रास्ते में देता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट हमारा 9:30 बजे का है, अभी चल रहे पारते आओ आ जा। सुसु कर रखा है भाई जी ने, हॉस्पिटल चले वो चले वो हॉस्पिटल जल्दी बता। अभी अभी मैंने दातुन तोड़ ली अपनी और गाड़ी मोड़ लेता हूँ और उसके बाद सीधा चलेंगे हॉस्पिटल। ठीक है तो भाई अभी चल दिए थे हम हॉस्पिटल में तो विक्रम भाई आ गया पीछे। विक्रम भाई आए कर दिए सब थे। पापा मैंने तुम्हें बताया था ना 8 पेशेंट है, मानते तो है नहीं किसी की, अपनी अपनी चलाते भाई। परसों इनके बहुत ज्यादा दर्द उठ गया था विक्रम पता है। तो अभी सीधा हॉस्पिटल मिलता हूँ मैं तुम्हें। तो भाई करीब 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में और अभी पूछते डॉक्टर से कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है हॉस्पिटल में। या तो अंदर यार मेरे हिसाब से कैमरा अलाउड नहीं होगा आज। तो भाई हॉस्पिटल भी आए और डॉक्टर हमें मिले नहीं क्योंकि संडे था। तो अगर तुम लोग बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हो संडे को तो संडे को कोई भी कंसल्टेंट्स वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ पता क्या मैंने देखी, यहाँ डॉक्टर लोग भी होते हैं ना वो भी भगवान को ही मानते हैं, हर जगह भगवान की मूर्ति रखी हुई है यहाँ। दो मिनट के पार्किंग के भाई ने 100 रुपये ले लिए, अब बताओ। ठीक बात है भाई, 2 मिनट की पार्किंग में कोई डिस्काउंट नहीं होता, 50 रुपये 30 रुपये नहीं आना। हाँ शाम को आना है? नहीं शाम को नहीं आना, अभी बस 2 मिनट का काम। तो बताओ 100 रुपये वीडियो नहीं बनानी भाई, यूँ कह रहा वीडियो नहीं बनानी। और जो 100 रुपये लिए थे भाई ने यूँ कह रहा वो नॉन रिफंडेबल है। बीच में मिला था हमें पुलिस वाले, तो पुलिस वालों ने पोल्यूशन के पेपर चेक करे थे। जो लोग गुड़गांव दिल्ली आ रहे हैं भाई पोल्यूशन के पेपर जरूर रखना अपने साथ, लाइसेंस और पोल्यूशन के पेपर दो चीज। रुपया ले आओ रुपया। यार ये छोटे बच्चे ना रुपये बहुत लेते हैं, लेकिन मेरे पास पड़े हुए हैं पैसे दे दे। ठीक है पढ़ाई करता है, है? कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। चलो बहुत बढ़िया। कौन से स्कूल में जाता है? कौन से स्कूल में कौन से? सरकारी। झूठ बोल रहा है, नहीं जाता। कपड़ा लेके आना स्कूल का, यही मिलेगा तेरे लिए कपड़े लेके आऊंगा स्कूल के, लेकिन तेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं घूमना सड़क पे। ठीक है, नहीं घूमेगा, पक्की बात है? पक्की बात। हेलो मिला। ठीक है भाई, भाई ने यो कह दिया आगे से नहीं करूंगा। यार छोटे छोटे बच्चे यार सिग्नल पे ऐसे अच्छे नहीं लगते ना, तो मैं इस भाई को बोल रहा था कि अपने पढ़ाई वढ़ाई करो यार, स्कूल में जाओ। ठीक है, यूट्यूबर बनो अगर तुम्हें बनना है तो, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं होती। आज सुबह से हमारे बहुत पोपट हो रहे हैं यार। आज पापा को हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल में कोई था ही नहीं, डॉक्टर वगैरह की छुट्टी, हमें पता नहीं था संडे को डॉक्टर होते नहीं है। उसके बाद पार्किंग कर रहे थे, पार्किंग में भी पोपट हो गया। अभी चलते हैं सीधा मौसी के घर, मैं तुम्हें मौसी से मिलाता हूँ। भाई मम्मी की शक्ल देखना और मेरी मौसी की शक्ल देखना, दोनों की सेम है, दोनों ऐसे लगती है कि जुड़वा है। मौसी घर के घर पे पहुंच चुके हैं तो अभी मैं तुम्हें मिलाता हूँ। फल फ्रूट कुछ नहीं, मिठाई विठाई लेके जानी चाहिए वैसे, मतलब किसी रिश्तेदार के घर पे जा रहे हो तो तुम्हें पता है ना लेके जानी है या टिकेट्स होते हैं। लेकिन हम ऐसे ही आ गए, प्लान बना कि मौसी घर के घर पे चलते हैं, पास में ही रहते हैं ना। दोनों सगी बहन लग रही है ना बिल्कुल, देख लो सेम शक्ल बिल्कुल। लो भाई अंकल लिया है समोसे। अंकल जी बहुत बढ़िया, समोसा खा के और फिर चलेंगे अपने घर वापस। ठीक है, और मैं तुम्हें दो बच्चों से मिलाऊंगा, बहुत शानदार बच्चे। मैंने जीवान से मिलाया था ना तुम्हें पिछले ब्लॉग में, अब मैं तुम्हें मिलाऊंगा गौतम ऋषि से। भाई वो बहुत शरारती बच्चे, जैसे जीवान शरारती है ना वैसे ही वो लोग हैं। ये चिराग है, जीवांश का दोस्त है ना ये। और सुना तो जीवांश मिला था, मैं वीडियो बना रहा था जीवांश के साथ, तो जीवांश जी बोला कि ऋषि दोस्त कभी मिले ना तो उससे हाय बोल, तो हाय बोल दे जीवांश को ऐसे। ये वीडियो फिर मैं जीवांश को दिखा दूंगा। ठीक है हाय। दोस्तों अगर तुमने जीवांश वाला व्लॉग नहीं देखा तो पहले जीवांश वाला व्लॉग देखना, तभी समझ में आएगा ये जीवांश के दोस्त है। पहले नाना की बात सुनो, पहले तो मना करना चाहिए।
अंकल अंकल ये बोले पैसे जब भी कोई दे रहा तो मना कर देना, तो ऋषि कह रहा हाँ ठीक है हाँ कर दूंगा। बहुत देर हो गई है यहाँ पे, सारी डिस्कशन कर रहे थे मम्मी और आंटी की, अच्छे से बात हो गई है, अब चलते सीधा घर, और घर जाके मैं तुम्हें एक अपडेट दूंगा बड़ी शानदार सी, ठीक है। तो भाई फाइनली बहुत देर के बाद अपने घर पहुँचने वाले हैं, अभी पापा ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। तो मैं तुम्हें दो तीन ब्लॉग पहले मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि हमारे जो घर का जो रास्ता है ना, मतलब हमारे पड़ोस का जो रास्ता है, यहाँ के MLA ने पास करा दिया। मैं दो तीन ब्लॉग पहले भी बताया था कि रास्ता बनने वाला है, तो फाइनली डेट आ चुकी है, 17 तारीख से काम शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक लाइट का इशू हो रहा है, लेकिन उसके लिए बार बार जाना पड़ता है यार, कोई जाता नहीं है, दिक्कत ये है ना। देखो ये जो आगे ट्रक जा रहा है, तस्कर जा रहे हैं, इसमें तस्करी करते हैं, इसमें गाय भैंस लेके जाएगा। तो अभी दोस्तों घर पहुंच चुके हैं, और एक बार मैं फोन चार्ज लगा देता हूं, मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा गाड़ी में। देखो भाई देखो तंग कर रहा है इसको, तंग मत करे इसने। तो घर में भाई नया मेहमान आ चुका है, हमें पता भी नहीं था यार, ये 3 दिन का हो गया और मुझे आज पता लगा है कि घर में बछड़ा हो रहा है, सुसु कर रहा है, पता नहीं लगता खड़े खड़े ने सुसु कर दी। सीट आ रहा हमारे पीछे, लेकिन हमें जाना है अभी। कहाँ पे? अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। बिल्लू बैठ रहे बढ़िया ये तुम्हें पता है कौन है भाई? बहुत हैवी काम करने गए थे कल ये तियाड़ के लोगों से मिल गया। आज मैं आ रहा था, गुड़गांव गया था ना, आज वापस आ रहा था भाई। गांव के अंदर दो लोग वो थे, अरे वो कसाई, तो मैंने उनसे पूछी मगो भाई क्या कर रहा हूँ, किसी के भैंस पाटा है तो दे दुआ दो। मगो भैंस पाटा या गाय ले रहे हो? गाय नहीं लेते हम। फिर मैंने ड्राइवर से पूछी मगो रुक 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 क्या होगा भैया, वो गाय भी लेकर बछड़ा देख रो क्या बछड़ा है, कोई ना दे रहा, कोई ना दे, सब यूपी दे भाई। अजू फौजी जय हिंद सर। अरे जय हिंद तो कर दे। अज्जू फौजी आ चुका है, अज्जू फौजी का लोंडा। एक एक यूवी ने रिटायरमेंट ले लिया, दूसरे यूवी ने बॉल पकड़ लिया, देख रहे हो तुम। ये भाई ये फौज में था, दो साल तक ग्लेशियर में रह के आया है, और अभी कहाँ है दिल्ली। ये भोला भोला भाई है, भोला भाई अभी कावट आ रही है, कावट लेने जाओ, भोला ना लेने जाओ। भाई ने रिकॉर्ड बना रखा है कितने, अरे एक बार तो जाए यार, कितना वे कितनी कावट, 5 कावड़ एक बार, मतलब हर साल रोटविलर है ना, रोटविलर भाई, एक देसी कुत्ते ने रोटविलर की फाड़ दी बिल्कुल, देख रहे हो देसी कुत्ते की पावर। पबजी चल रही है, दिखा दे नुगा दूंगा, देखो ऐसे काम होता है। गानी देखो गानी देखो गाइस, खेलो आगे मारी गल, खेलो भाई खेलो यार, थोड़ी देर खेल लो ना। वो अर्जुन तो मेरे को जानता है, अर्जुन ब्लॉगर वही आ गई याद, वीर मुझे जानता है, पर वीर मेरे साथ खेल नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ ना, इसलिए खेलो वो युवान, यहाँ खेलो आप, यहाँ पे शॉट मारो दे, वो आ रही बॉल मार दे, वो शाबाश से स्विंग होगी यार, पता क्या हुआ बॉल स्विंग होगी इसलिए नहीं मार पाए, मार दे रिवर्स स्वीप, मार दे रिवर्स स्वीप, हाँ ऐसे सस्ता यूट्यूबर है मैं। मोमोज की प्लेट हो मोमोज और गैल बर्गर दे दे चैनल को, कंटेंट आज की वीडियो का आखिरी सेगमेंट तो पता है, वीडियो ढंग से बनी भी नहीं, इसने एक पॉइंट भी अपना छोड़ दिया, तो पहले सीख ढंग से ना बन रही तो ना भाई, मैं अच्छी वीडियो नहीं बनाता, वो तो देखने बताओ, मैं तो देखा ही ना मेरी वीडियो नहीं देखता ना, मैं नाइट जाऊंगा फिर छोड़ दूंगा। हाँ भाई जेपी, हाँ बहुत दिनों के बाद दिखे आप यार, मिस्टर इंडिया वाली गाड़ी पा गई थी गाइस। आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, मिस्टर जवाहर यादव के भांजे से, अब ये बताएगा उसकी सच से। कहाँ जा रहे हो जेपी ना, फिर कितनी देर मारो, फिर इतना अंधेर हो जाएगा यार, अंधेर बाट में रहेगा, अरे कौन हुई है।